जगह पे सेवा मंडलियां लगी हुई हैं। ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, राम नाम तो लड्डू है। ये इस गांव के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और ये है जय श्री राम सेवा मंडली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू भाई किस तरह से महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, तो पाकिस्तान में किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है। तो यहाँ पे ना करीब करीब के गाँव के सभी लोग इस मंदिर में आते हैं महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करने। तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो आप लोगों ने पूरा देखना है और सेलिब्रेशन को एंजॉय करना है। सकते हो कितने भक्त जन आए हुए। फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं मंदिर में और आप लोगों को विजिट कराते हैं। आदि देव शंकरा शिवलिंग पार्वती, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। एक टेंट सा लगाया हुआ है, इस टेंट में मतलब सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे भक्ति कीर्तन होंगे वो सुनेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को ये स्टेज, एक साइड पे महिलाएं बैठेंगी, एक साइड पे पुरुष बैठ, और ये साउंड सिस्टम जो कि अभी रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया एक शायरी लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, राम नाम तो लड्डू है, गोपाल नाम है घी, भोले शंकर नाम तो मिश्री है, इसे घोल घोल के पी। ये है सेवादारी। सेवादारी है भैया आपका नाम शंकर जी, ये लिखा हुआ कार्ड भी बना हुआ है सेवादारी पे। ना बहुत सारे जो मंडली होते हैं, यानी एक गांव से 15-20 लोगों की मंडली होती है, वो सेवा करने आती है। तो आप कौन सी मंडली से हो भैया? और बाबा राम आज सेवा मंडली से है, ये भी आप भी भाई उसी मंडली से हो। आपका नाम? नेमन जी। नेमन जी, तो आज आप लोग कौन सी सेवा करने वाले हो? ये मंडली चाय की सेवा करने वाली है। और भी मंडली आई हुई है, बहुत है और भी है, बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारी मंडली आती है जो सेवा करते हैं। मतलब कुछ लोग चाय का स्टॉल लगाते हैं, कुछ लोग पानी का, कुछ लोग प्रसाद का, कुछ ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के। जो भी मंडली का स्टॉल लगा वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग किस तरह से अपना जो है शिवरात्रि सेलिब्रेशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, और वीडियो को लाइक करना है। अगर बिल्कुल भी अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर देना वीडियो को। हरगुन जी सेवा मंडली के ये भी है सदस्य। आपका नाम भैया? नदीम राम। पानी की सेवा कर रहा है भैया, प्यासे हैं वो पानी पीने आ रहे हैं। ये इस गाँव के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। इनका नाम पूछ। राम राम। जय श्री। आपका नाम अंकल जी? हरिया जी। हरिया जी, तारिया जी। तारिया जी, जय श्री राम। राजू राम जी। आपका नाम अंकल जी? अर्जुन जी साईं। अर्जुन जी। आपका नाम? हाकम जी। हाकम जी। आपका नाम? बालम जी। बालम जी। तो फ्रेंड्स, ये ना इस गांव के बड़े हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो पंच के टाइप जैसे बोल सकते हैं, वो सभी इधर बैठे और निगरानी कर रहे हैं। ये गली है और बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। जैसे जैसे उत्सव होगा हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हर गांव में जो है शिवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर गांव में मंदिर भी नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम ना टेंट वगैरह घूमने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो ना गली में कितना भीड़ है, और जो पास पास के गांव के लोग हैं सभी यहाँ पे आ चुके हैं। तो बहुत ही मजा आ रहा है, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो महाशिवरात्रि को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सेवा मंडलियां हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। तो ये शिव मंदिर सेवा मंडली, अमृतवाणी सेवा मंडली, और आगे है जय श्री राम सेवा मंडली। और देख सकते हो लोगों का भीड़, और ये है जय श्री राम सेवा मंडली। ये फ्रूट मतलब देंगे, फ्रूट वगैरह सेवा मंडली में सेवा करेंगे फ्रूट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है रोटी पैक, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रोटी पैकिंग कैसे होती है। ये देख सकते हो बच्चे जो है सेवा कर रहे हैं रोटी पैकिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है रोटी पैकिंग कर रहे हैं, कितने बंडल्स बना लिए इन्होंने। आपका नाम बच्चे? राजकुमार। राजकुमार। आपका पैकिंग कर रहे हैं, और इधर से दो टुकड़ों में काटी जा रही है। नाम बच्चे का? नाम
आपका जमुना शिवरात्रि में सेलिब्रेशन करने आए हुए, और पीछे देख सकते हो बच्चों का ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सब्जी काटी जा रही है प्रसाद के लिए, बहुत ही बढ़िया आलू और यहाँ पे टमाटर, और उस साइड पे प्रसाद बन रहा है, तो मैं वो साइड भी आप लोगों को लेके चलता हूँ जहाँ पे प्रसाद बन रहा है। जय श्री राम। आपका नाम? सुरजन भाई। सुरजन भाई आप कहाँ से आए हो? लाठी इधर से, इसी गांव के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सेवा कर रहे हो ना, बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स ये सेवादार, ये देख सकते हो रोटियां बनवा रहे हैं। यहाँ पे ना मतलब प्रसाद दिया जाएगा, ये प्रसाद वाला हॉल कह सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे जो है इस गांव में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी मैं उनसे पूछता हूँ। तो भाई आपका नाम? सिमरान। तो फ्रेंड्स इन सबसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से, आप कहाँ से आए बेटा? 48 चक से। इधर से कितना दूर हो सकता है? बहुत दूर से आए, 8-9 किलोमीटर दूर से। बहुत अच्छा। ये आपकी बेटी? ठीक है, देख सकते हो आप। सर जी हम बस्ती इलाकी के रहने वाले हैं। ये मंदिर मंदिर जो हम जो शिवरात्रि जो मनाते हैं बहुत जोर से औरों से मनाते हैं, यहाँ से आदमी जो बहुत दूर दूर के आते हैं। तो यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आए हुए वो अभी प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद चल रहा है अभी देख सकते हो यहाँ पे, ये सभी नंगर हाल में नंगर खा रहे हैं। भाई प्रसाद में क्या है? प्रसाद में भाई आलू मटर है। अच्छा, और टिंडी मिक्स की हुई है। टिंडी और ये चपाती है। चपाती ये है महाप्रसाद। महाप्रसाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है बाकी भक्तजन खाना खा रहे हैं, और जिनका व्रत है वो लोग नहीं खाएंगे। ये शाम 6:20 का व्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रूट की सेवा हो रही है, और हर जगह पे सेवा मंडलियाँ लगी हुई है। और तेरे मेरे पेपर भी थे तो कृपया खाना खा लो।